हे माय बटरफ्लाई, कैसा है आप सब? जेके की कॉल जो उन्होंने आरम को की थी फेस्टा पार्टी में, लास्ट टाइम हमने सिर्फ वी की कॉल देखी थी। एक्चुअली मैंने लाइव देखी नहीं थी, मुझे वी वाला पार्ट यूट्यूब से मिला था। बहुत से लोगों ने जेके की कॉल की रिक्वेस्ट की थी, इसलिए आज हम जेके की कॉल देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आरम ने कहा, इस नेक्स्ट स्टोरी को भेजने वाला इंसान तब से मेरा ट्रू फैन है जब मैं अंडरग्राउंड था, तब से जब ये मेरा शौक था, और आज भी ये एक फ़ैन है जो मुझे बहुत प्यार करता है। उन्होंने कहा कि ये एक स्पेशल फ़ोन स्टोरी है। क्या कॉल कनेक्ट है? क्या भी सुन सकते हैं? हेलो, जेके ने कहा। हेलो, हाँ हेलो हेलो, जंगकुक ने कहा। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आरम ने कहा, हाँ मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, ओह मैं आपका फ़ैन हूँ। आरम ने कहा, हेलो तुम एक जेंटलमैन हो। जेके ने कहा, क्या आप वाकई आरम ह्यूंग हैं? आरम ने कहा, हाँ क्या मैं ह्यूंग हूँ? जेके ने कहा, यस यस यस। आरम ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं और आप कौन हैं? जेके ने कहा, वाह ये दोबक है, मैं कंट्री साइड में रहता हूँ। सच में? लेकिन आप मेरे बारे में कब से जानते हैं? जेके ने कहा, जब तुम रंच रांडा थे। आरम ने कहा, रंच रांडा, ओ गॉड ये मेरे दिल को छू गया। कंपनी में आने से पहले जब आरम अंडरग्राउंड रैपर थे तब उनका नाम था रंच रांडा। आगे जेके ने कहा, मैंने आपको देखकर म्यूजिक शुरू किया। आरम ने कहा, सच में? हाँ हाँ। आरम ने कहा, क्या आप अभी भी म्यूजिक कर रहे हैं? जेके ने कहा, हाँ। आरम ने कहा, सच में आप किस तरह का म्यूजिक करते हैं? जेके ने कहा, मैं रैप नहीं करता, मैं बस गाता हूँ। क्या मैं एक वर्स गा सकता हूँ? आरम ने कहा, यस यस। फिर जेके ने टेक टू की लाइन गाई। आरम ने कहा, सबसे पहले अगर मैं वाकई तुम्हारी तरह गाता तो मैं रैप नहीं करता। आप मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आप मुझे तब से देख रहे हैं, मैं रंच रंडा था, आप जानते हैं कि मेरा समय कैसा रहा है। जेके कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। आगे आरम कहते हैं, साथ ना छोड़ने के लिए और मेरा सपोर्ट जारी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेके कहते हैं, मैं हमेशा आपके साइड से हूँ। आरम ने कहा, मैं बहुत हिल गया, मतलब ये बात मेरे दिल को छू गई, मुझे लगता है कि मैं रो पड़ूंगा। जेके ने कहा, ओ नामजुनी ह्यूंग? यस ह्यूंग, यस। क्या छोटे भाई ह्यूंग, क्या तुम मेरी आवाज नहीं जानते? आरम ने कहा, ये कौन है? जेके ने कहा, क्या तुम नहीं जानते? आरम ने कहा, जाना पहचाना लग रहा था, आपको इसे इस तरह लेबल करना होगा, ये जाना पहचाना लग रहा था, ये कौन है? रुको रुको, कौन है? जेके ने कहा, आप नहीं बता सकते। हेलो एवरीवन, दिस इज जंगकुक। जेके ने कहा, यहाँ रात के 1:30 बजे हैं और मैं इस कॉल को रिसीव करने का वेट कर रहा था। आरम ने कहा, जंगकुक मैं सच में जानता था। जेके ने कहा, सच में? आरम ने कहा, आप न्यूयॉर्क में हैं, है ना? जेके ने कहा, क्या मैं न्यूयॉर्क में हूँ? मैं यूएस एलए में हूँ। आप एलए में हैं? यस। ओके जंगकुक, मेरे दिल को थोड़ा धड़काने के लिए थैंक यू। जेके ने कहा, मैंने अपनी आवाज़ खो दी, मतलब चेंज की, लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने गाना शुरू किया तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चला। आरम ने कहा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था। सच में आपको बहुत बहुत थैंक यू इतनी देर रात तक फ़ोन करने के लिए, सच में थैंक यू। जेके ने कहा, मैं आपको देख रहा था। आरम ने कहा, एवरीवन आप जंगकुक को याद करते हैं ना? यस। जंगकुक कोरिया वापस आने पर प्लीज ऐसा कुछ करना। जेके ने कहा, मुझे आपकी याद आती है।
आराम ने कहा, जब आप कोरिया आए तो प्लीज इस तरह के ढेर सारे ऑफलाइन इवेंट करें। जेके ने कहा, मैं कंपनी से बात करूंगा। करो, जल्दी सो जाओ और थैंक यू। जेके ने कहा, आपके काम के लिए गुड लक। आराम ने कहा, हाँ मैं बाद में आपके नरेशन में मिलूंगा, मतलब फायरवर्क वाले शो में। जेके ने कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू, चलो। जेके ने बोला, यस मेहनत करो। ओके, फिर जेके ने कहा, आर्मी अपना अच्छा समय बिताएं। आर्मी ने बोला, यस। जेके ने कहा, मैं अभी जाकर वॉश करता हूँ, मैंने अभी वॉश नहीं किया है। आरम ने कहा, जंगकुक फिर से कुछ मजेदार करने की तैयारी कर रहा है। हाँ, जेके ने कहा, यस। आरम ने कहा, ऑल राइट जंगकुक, गुड नाइट, ठीक है। ओके जंगकुक, गहरी नींद में सोए। जेके ने कहा, आप कड़ी मेहनत करें। यस सर। आरम ने कहा, मुझे पता नहीं था ये जंगकुक था। ओके देन, मैं हैरान हूँ कि आरम सच में आवाज़ नहीं पहचान पाए। एनीवे, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।